सोनकच्च पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुष्पगिरी के पास से एक कार को पकड़ा जिसमें 40 पेटी अवैध मदिरा ले जाई जा रही थी। कार गुजरात पासिंग बलेनो को जब्त किया। वहीं पुलिस को देख चालक राजेश पिता गोकुल राजपूत निवासी मनासा भागने लगा जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। थाना प्रभारी नीता देहरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लाल रंग के बलेनो से 40 पेटी अवैध मदिरा जब्त की गई है जो कि 360 लीटर है जिसकी कीमत 1,60,000 रुपए है। वहीं कार और जब्त शराब की कुल कीमत 9,00,000 रुपए बताई गई है। साथ ही आरोपी पूर्व में भी इसी तरह के मामले में आरोपी रह चुका है। सूचना मिली थी कि गुजरात पास एक लाल कलर की बलेनो है जिसमें अवैध शराब के अब परिवहन हो रहा है, जिस पर हमने सार्वजनिक राजेश के साथ में टीम को रवाना किया। ये लोग पुष्पगिरी के पास में बिसागिरी रोड के वहाँ पे खड़े हुए, तो इनको लाल कलर की बलेनो जो मुखबिर द्वारा बताई गई थी वो मिली। इन्होंने उनको रोका, घेराबंदी करके रोका, तो उसमें 40 पेटी अवैध शराब की मिली जिसमें एक आरोपी पकड़ा है। राजेश पिता गोकुल सिंह राजपूत मनासा का है। ये पूर्व में भी 34-2 के केस में गिरफ्तार हुआ है। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।